बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर लेक्चर इन रिसर्च मेथडोलॉजी अंडर द सब हेडिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स। एंड इन स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स द डेटा विच वी कलेक्ट इन द बाई वेरिएबल फॉर्म, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड बाई वेरिएट एनालिसिस एंड कंपेयरिंग द ग्रुप्स। सपोज दैट यू हैव इन योर स्टडी टू मेजर ग्रुप्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर कंपेयरिंग टू ड्रग्स then the efficacy of two drugs, then you want to determine the difference of these two drugs or difference in two variables, then how you can determine it. आप कैसे कर सकते हैं दो ग्रुप के दरमियान कंपेरिजन, या दो ड्रग जो दो ग्रुप्स के दरमियान दी गई है, दो ग्रुप्स को दी गई है, उनके दरमियान जो एफिकेसी सेफ्टी या किसी और पैरामीटर का कंपेरिजन करना है, तो आप वो किस तरीके से कर सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन दीज lectures. So now let us start with our first slide, bivariate analysis. Most common research design in biomedicine involve comparison of outcome in two groups. जो सबसे कॉमन होता है वो हमारे रिसर्च डिज़ाइन बायोमेडिसिन में, बायोफार्मास्यूटिकल में, फार्मास्यूटिकल साइंसेज में, मेडिकल साइंसेज में, वो होता है कि दो ग्रुप्स को जो ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं उनका आउटकम क्या है और उनका कंपेरिजन कैसे किया जाए. जैसे फॉर एग्जाम्पल वन ग्रुप रिसीव एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट ले रहा है जो कि एक रिसर्च ड्रग है या एक्सपेरिमेंटल ड्रग है जिस पर अभी रिसर्च की जा रही है कि ये चेक करने के लिए कि उसका किसी सर्टेन डिजीज में क्या रिस्पॉन्स है. सेकेंड ग्रुप जो होगा, सेकेंड ग्रुप रिसीव कंपेरिजन ट्रीटमेंट, वो कंपेरिजन ट्रीटमेंट दूसरा ग्रुप ले रहा होगा. वो ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? प्लेसिबो हो सकता है. अगर कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है तो प्लेसिबो लेगा. अगर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो फिर वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट लेगा, क्योंकि इट इज़ अनइथिकल कि अगर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अवेलेबल हो तो आप फिर किसी पेशेंट को प्लेसिबो देके यानी किसी ग्रुप को प्लेसिबो देके डिप्राइव करें ट्रीटमेंट से. इसलिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट उसमें ज़रूरी होगा. और यह कंपेयर किया जा रहा है न्यू एडवांस केयर एंड यूजुअल केयर यानी ट्रेडिशनल केयर, दोनों का कंपेरिजन किया जा रहा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्रीवियस लेक्चर्स में कंपेरिजन किया था कि जो ड्रग फिलिंग थी और उसका जो है वो इम्पैक्ट कंप्लाइंस पे क्या पड़ता है. तो एक यूजुअल मेथड, ये जो ट्रेडिशनल मेथड है वो था, और एक न्यू इलेक्ट्रॉनिक रिमाइंडर मेथड था, उससे कंपेयर किया था और देखा था कि क्या आउटकम दोनों में, दोनों मेथड से दोनों ग्रुप को जब देंगे रिमाइंडर तो दोनों में क्या आउटकम आते हैं, रिफिल के और कंप्लाइंस के. आउटकम्स of both groups assessed by statistical tests for efficacy and safety. आम तौर पर जो हम आउटकम कंपेयर करते हैं दोनों ग्रुप में, यानी जो इन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट और कंपेरिजन ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उन दोनों के दरमियान ये चेक करते हैं दोनों ग्रुप्स में एफिकेसी में अगर कोई डिफरेंस है तो वो क्या है, या सेफ्टी में अगर कोई डिफरेंस है तो वो क्या है, और अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो वो भी इस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में मालूम हो जाता है. Like for example, if we take a case scenario, a community pharmacist provide a service to large number of type 2 diabetic patients. Okay, ये एक case scenario बन रहा है कि एक community pharmacist है, वो काम करता है community में और वो services provide कर रहा है अपनी large number of type 2 diabetic patients को. Services are एक्सरसाइज क्लासेस एंड जिम फैसिलिटीज़. और वो सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक्सरसाइज की क्लासेस और जिम फैसिलिटीज़ उन पेशेंट्स को जो कि टाइप 2 डायबिटिक हैं. इट इज़ ऑब्वियस दैट एक्सरसाइज इम्प्रूव ग्लाइसेमिक कंट्रोल इन डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट्स, क्योंकि ये बहुत सारे एविडेंसेस लिटरेचर ये एग्जिस्ट करते हैं और प्रूव करते हैं कि एक्सरसाइज से ग्लाइसेमिक कंट्रोल टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा बेहतर होता है. Pharmacists want to know that whether this service is effective. Pharmacist ये मालूम करना चाह रहा है कि वो जो ये service provide कर रहा है type 2 diabetic patient को, क्या ये really effective है भी या नहीं है. अब वो क्या करेगा? In order to gather evidence, study is designed. इसके लिए एक evidence generate करने के लिए वो एक study design करता है. Patients were divided into treatment group means exercise group and control group means usual care. तो वो क्या करता है, अपने patients को दो group में divide कर देता है, जितने भी number of patients हैं, और definitely large number of patients होंगे. एक group वो होगा जो कि exercise group होगा, यानी जो exercise कर रहा है.
दूसरा वो है जो यूजुअल केयर ले रहा है लेकिन एक्सरसाइज नहीं करता, और यूजुअल केयर मीन्स के वो जो अपनी ड्रग्स है वो ले रहा है बस, और कुछ नहीं ले रहा है, जबकि एक्सरसाइज ग्रुप जो है वो ड्रग भी ले रहा है और एक्सरसाइज भी एडिशनली कर रहा है। एंड पॉइंट पॉइंट ऑफ स्टडी वॉज एच बी ए वन सी लेवल रिडक्शन टू द नॉर्मल। और दोनों ग्रुप का एंड पॉइंट क्या लिखा है इसने या क्या रखा है स्टडी का, कि इम्प्रूवमेंट इन एच बी ए वन सी क्या होता है, किसका ज़्यादा बेहतर कंट्रोल होता है, एक्सरसाइज ग्रुप का या वो पेशेंट जो कि यूजुअल केयर ले रहे हैं या विदाउट एक्सरसाइज। तो इन दोनों में एच बी ए वन सी कंट्रोल जो है वो उनका कंपेरिजन क्या है और स्टेटिस्टिकली रिजल्ट क्या आते हैं, क्या दोनों के एच बी ए वन सी की इम्प्रूवमेंट जो रिजल्ट आते हैं यानी रिडक्शन जो होता है एच बी ए वन सी का, क्या एक्सरसाइज ग्रुप का सिग्निफिकेंटली बेटर है यूजुअल केयर से या दोनों का एक जैसा ही एच बी ए वन सी लेवल रिड्यूस हो रहा है। अगर एक ही जैसा रिड्यूस हो रहा होगा इसका मतलब है एक्सरसाइज से कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो यही तो चेक करना है कि क्या एक्सरसाइज यानी वो जो ये एडिशनल सर्विस एक्सरसाइज क्लासेस और जिम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कम्युनिटी फार्मेसिस, क्या उससे ग्लाइसेमिक कंट्रोल ज़्यादा बेहतर एच बी ए वन सी ज़्यादा बेहतर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये एक स्टडी वो डिज़ाइन करता है। आप भी इस तरह की कोई स्टडी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एच बी ए वन सी लेवल रिडक्शन, अच्छा जनाब, नाउ इस पर जो आप टेस्ट लगाएंगे इंडिपेंडेंट ग्रुप टी टेस्ट, ठीक है, ये जो टेस्ट लगेगा इंडिपेंडेंट ग्रुप टी टेस्ट, क्योंकि इसमें दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप वो है इंडिपेंडेंटली टाइप टू का जो एक्सरसाइज कर रहा है, दूसरा इंडिपेंडेंट ग्रुप वो है जो कि यूजुअल केयर ले रहा है और एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। नाउ इन दिस केस ट्रीटमेंट ग्रुप इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जो ट्रीटमेंट ग्रुप है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड एच बी ए वन सी इज डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इसमें जो है वो ट्रीटमेंट ग्रुप जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सरसाइज ग्रुप, ठीक है, और एच बी ए वन सी उस पर डिपेंड करेगा, इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल है कि क्या एक्सरसाइज से एच बी ए वन सी पे फर्क पड़ रहा है, अगर पड़ रहा है यही हम चेक करना चाह रहे हैं। नाउ 10 पेशेंट्स इन ईच ग्रुप सिलेक्टेड रैंडमली, आपने 10 पेशेंट दोनों एक एक ग्रुप में सिलेक्ट कर लिया यानी टोटल 20 पेशेंट्स, ईच ग्रुप 10 पेशेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 पेशेंट्स ऐसे होंगे जो कि एक्सरसाइज करेंगे और 10 पेशेंट ऐसे होंगे जो यूजुअल केयर लेंगे एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अच्छा, नल हाइपोथीसिस इसका हम बनाते हैं, तो नल हाइपोथीसिस ये बनेगा मीन ऑफ एक्सरसाइज ग्रुप इज इक्वल टू मीन ऑफ कंट्रोल ग्रुप, या जो दोनों जब दोनों इक्वल होंगे तो डेफिनेटली जब इनका डिफरेंस निकलेगा यानी मीन ऑफ एक्सरसाइज माइनस मीन ऑफ कंट्रोल ग्रुप इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो एक्सरसाइज ग्रुप और यानी इनका जीरो होगा, जबकि ऑल्टरनेट हाइपोथीसिस एच ए ये कह रहा है कि नहीं ये जीरो नहीं होगा, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, क्योंकि एक्सरसाइज से कुछ बहुत सारी स्टडीज़ ये कहती हैं कि एक्सरसाइज से ग्लाइसेमिक कंट्रोल ज़्यादा बेहतर होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा वी हैव डिफाइंड 5% मीन्स 0.045 एंड डिफरेंसेस ऑफ मीन्स इज इक्वल टू 0.45 और डिफरेंसेस ऑफ मीन्स क्या आ रहे हैं 0.45, तो अब हम इसको चेक करते हैं। नाउ ये है टेबुलर फॉर्म, नाउ इन टेबुलर फॉर्म पेशेंट आईडी के पेशेंट 101 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये टोटल 20 पेशेंट्स है और यहां पर हमने डिवाइड कर दिया है इनको, यानी ये के 10 ये हैं और 10 ये हैं, ये क्या है एक्सरसाइज ग्रुप एच बी ए वन सी लेवल और ये कौन सा है कंपैरिजन ग्रुप एच बी ए वन सी लेवल यानी यूजुअल केयर वाला जो पेशेंट का ग्रुप है यानी जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो इसमें पेशेंट का ये इन्होंने वैल्यू ले ली 6.8 7.3, ये जो उनके एक्सरसाइज ग्रुप के एच बी ए वन सी लेवल है और ये क्या है कंपैरिजन ग्रुप है उनके एच बी ए वन सी लेवल है, यानी ये समझ लीजिए कि एक्सरसाइज कराने के बाद फिर इनके एच बी ए वन सी लेवल चेक किए गए। इन 10 पेशेंट का मीन आ रहा है 7.35 और इन 10 पेशेंट का मीन आ रहा है 7.80, तो अब इनके मीन का अगर डिफरेंस लिया गया वो यहाँ पे पिछली स्लाइड में आ रहा है 0.45 है, यानी दोनों के मीन में जो डिफरेंस आ रहा है 0.45 का फर्क आ रहा है। अब हमें चेक ये करना है कि क्या ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अच्छा, इसके जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला वो एक्सरसाइज ग्रुप का 0.152 आया
और कंपैरिजन ग्रुप का 0.29 आया। और जब इस पर टी टेस्ट लगाया गया, टी स्टैटिस्टिक्स, द रिजल्ट्स आर 2.69 और नल हाइपोथीसिस रिजेक्ट हो गया, ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हो गया, जिसका मतलब है कि इनका डिफरेंस एक ये जीरो नहीं है, यानी मीन ऑफ एक्सरसाइज इज नॉट मीन एच बी ए वन सी इज नॉट इक्वल टू मीन एच बी ए वन सी इन बोथ ग्रुप, यानी दोनों के मीन में फर्क सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। कैसे हम ये कह रहे हैं सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, क्योंकि 2.69 रिजेक्टेड रीजन में आया है और पी वैल्यू आ रही है 0.015, यानी ये 0.05 से कम आ रही है, तो 0.05 से कम आ रही है तो ये सिग्निफिकेंस को जाहिर करेगी, क्योंकि अगर ये वैल्यू 0.05 होती या 0.05 से ऊपर होती तो फिर ये नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस को रिप्रेजेंट करती। तो क्योंकि ये सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रही है 0.05 से कम है, इसका मतलब यही कि ये हुआ कि ये 0.45 का जो दोनों के मीन में डिफरेंस आ रहा है 0.45 का, वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो इससे ये साबित हो रहा है, यानी इंटरप्रिटेशन हम ये निकाल रहे हैं कि एक्सरसाइज सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द एच बी ए वन सी लेवल कंपेयर टू दोज पेशेंट्स हु डू नॉट एक्सरसाइज। ठीक है, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उसके मुकाबले में एक्सरसाइज से एच बी ए वन सी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो रहा है। तो इससे इस तरह से हमने टी टेस्ट लगा के इस टेस्ट के रिजल्ट्स मालूम कर लिए। नाउ, अच्छा अब हमने ये कैसे किया होगा। नाउ टी इज इक्वल टी स्टैटिस्टिक्स एंड कंक्लूजन। टी इज इक्वल टू, ये इसका फार्मूला है, मीन ऑफ एक्सरसाइज माइनस मीन ऑफ कंट्रोल, जो कि वहाँ पे पिछली स्लाइड पे मौजूद हैं, ये रहे 7.35 और 7.20। अच्छा, उसके बाद अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरियंस ऑफ वन ग्रुप एंड वेरियंस ऑफ अनदर ग्रुप। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमें ये भी मिल रहे हैं, ये रहे वेरियंस एस स्क्वायर दोनों ग्रुप के। अच्छा, उसके बाद फिर एन वन एंड एन टू जोड़ों के दोनों 10-10 हैं, तो इसको हमने कैलकुलेट किया। अच्छा, इसमें ये जो फार्मूला है एस स्क्वायर पी, दैट इज कॉल्ड एस स्क्वायर पी, इसको मालूम करने का तरीकाकार ये होगा, एन वन माइनस वन, ओके, एस वन का स्क्वायर मीन्स के वेरियंस ऑफ एक्सरसाइज ग्रुप प्लस एन टू माइनस वन वेरियंस ऑफ नॉन एक्सरसाइज ग्रुप, और एन वन प्लस एन टू, टेन प्लस टेन, टू माइनस 20 माइनस 1। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट, पहले आपने ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे पुट कर देनी है, एन वन की वैल्यू 10, एन टू की वैल्यू 10, और इसका फिर रूट कैलकुलेट कर लेना है और ये दोनों के मीन का डिफरेंस ले लेना है, फिर इसको इस वैल्यू को जो कैलकुलेट किया होगा डिवाइड कर देना है, तो इससे आपको टी की वैल्यू मालूम हो जाएगी। और फिर टी की वैल्यू टेबल में एक्सेप्टेड रीजन में है या रिजेक्टेड रीजन में है, वो हम टेबल से कंपेयर कर लेंगे। नाउ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट पी वैल्यू 0.015 डिफरेंस फाउंड इन मीन एच बी ए वन सी लेवल ऑफ बोथ ग्रुप, यानी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस फाउंड इन मीन एच बी ए वन सी लेवल ऑफ बोथ ग्रुप, सो एक्सरसाइज प्रोग्राम इज मोस्ट लाइकली इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग एच बी ए वन सी लेवल। यही वो फार्मेसिस्ट मालूम करना चाहता था, ठीक है ना, कि उसका टारगेट क्या था, वो ये चेक करना चाहता था कि ये जो सर्विस है वो प्रोवाइड जो कर रहा है कि ये इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है ना। फार्मेसिस्ट वॉन्ट टू नो दैट वेदर दिस सर्विस इज इफेक्टिव, लिहाजा इससे ये साबित हुआ इस स्टडी के बाद कि दिस सर्विस इज रियली इफेक्टिव, क्योंकि एक्सरसाइज प्रोग्राम इज मोस्ट लाइकली इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग एच बी ए वन सी लेवल, क्योंकि एक्सरसाइज ग्रुप में एच बी ए वन सी लेवल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ था कंपेयर टू यूजुअल केयर, यानी यूजुअल केयर मीन्स नॉन एक्सरसाइज ग्रुप। सो इससे ये साबित हुआ कि ये स्टडी इस तरीके से कंडक्ट की जाती है। ये तो हो गई टी टेस्ट के बाद। इसके अलावा एनोवा की अगर हम बात करें, एनोवा मीन्स एनालिसिस ऑफ वेरियंस। टी टेस्ट डिस्क्राइब डिफरेंस इन द मीन ऑफ टू ग्रुप, यानी ये आपको ये बता रहा है दो ग्रुप के दरमियान जब आपने कंपेरिजन करना हो तो फिर आपने टी टेस्ट लगाना है या जेड टेस्ट लगाना है अगर सैंपल साइज बड़ा है तो। वाइल एनोवा डिस्क्राइब इफ मोर देन टू ग्रुप्स ऑफ पेशेंट्स आर इंक्लूडेड, अगर मोर देन टू ग्रुप ऑफ पेशेंट्स आर आप कर लें, यानी तीन ग्रुप ले लिए,
तो फिर जो होगा वो, लाइक फॉर एग्जांपल आपने ये ले लिया एक्सरसाइज ग्रुप एच बी ए वन सी लेवल, यानी एक्सरसाइज से एच बी ए वन सी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, एक ग्रुप ले लिया जो कि एक्सरसाइज नहीं कर रहा, एक ग्रुप और ले लिया जो एक्सरसाइज भी कर रहा है और एच बी ए वन सी रिड्यूस करने की मेडिकेशन भी ले रहा है, तो तीनों का कंपेरिजन करना है। अब तीन ग्रुप हो गए तो इस पर टी टेस्ट नहीं लग सकता, इस पर हम एनोवा यानी एनालिसिस ऑफ वेरियंस लगा सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि एनोवा डिस्क्राइब इफ मोर देन टू ग्रुप्स ऑफ पेशेंट्स आर इंक्लूडेड। एनोवा कैन बी यूज फॉर मीन लेवल ऑफ एच बी ए वन सी ऑफ थ्री ग्रुप्स, जैसे हमने अभी थ्री ग्रुप की बात की, फोर ग्रुप भी हो सकते हैं, फाइव ग्रुप भी हो सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा ग्रुप हों तो फिर एनोवा लग सकता है। डिफरेंस इन मीन कैन बी कैलकुलेटेड बाय एफ स्टैटिस्टिक्स और एफ टेस्ट, और इसमें जो हम डिफरेंस मालूम करेंगे मीन का वो एफ टेस्ट के जरिए या एफ स्टैटिस्टिक्स के जरिए मालूम करेंगे, जैसा कि पिछले टेस्ट में जो दो ग्रुप का था उसमें टी टेस्ट या टी स्टैटिस्टिक्स के जरिए मालूम कर रहे थे। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कैन बी सेम 5%, अल्फा इज इक्वल टू 0.05, जैसा कि मैं पिछले लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूँ कि हम मोस्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्टडीज, द स्टडीज विच वी कंडक्ट इन मेडिकल साइंस फार्मास्यूटिकल साइंस, वी कीप अल्फा लेवल 0.05 और 5%। पोस्ट हॉक टेस्ट डिटरमिन विच ग्रुप डिफर फ्रॉम अदर्स और टिकीज एच एस डी टेस्ट एंड शेफीज टेस्ट। इसके अलावा हम जो है वो पोस्ट हॉक एनालिसिस भी इसमें करते हैं, अगर ये डिफरेंस आ जाए तो फिर हमें अगर ये मालूम करना हो कि डिफरेंस कहाँ पर एग्जिस्ट करता है तो फिर उसको मालूम करने के लिए हम पोस्ट हॉक एनालिसिस भी करते हैं। देखिए, एक तो ये होता है कि इसमें रिजल्ट ये आ जाए यानी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए और ये क्या है कि एक्सरसाइज ग्रुप, नॉन एक्सरसाइज ग्रुप और वो ग्रुप जो एक्सरसाइज और मेडिकेशन दोनों ले रहा है, तीनों का एच बी ए वन सी लेवल एक ही जैसे रिड्यूस हो रहा है, यानी नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड कि मीन तीनों का सेम है। लेकिन अगर ये वो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए और हमें ये कहे कि नहीं, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड और इसमें से कोई दो ग्रुप ऐसे हैं जिनका नल जो 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 सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, तो वो दो ग्रुप कौन से होंगे उनको मालूम करने के लिए पोस्ट हॉक एनालिसिस जरूरी होगा। नाउ मीन एच बी ए वन सी लेवल एंड द ट्रीटमेंट ग्रुप, ये ट्रीटमेंट ग्रुप की बात की जा रही है। ग्रुप वन यूजुअल केयर, ग्रुप टू एक्सरसाइज ग्रुप एंड ग्रुप थ्री डाइट काउंसलिंग। अब तीन ग्रुप हैं, यहाँ पर हम तीन ग्रुप किस तरह से डिवाइड कर दिया कि ग्रुप वन जो है यूजुअल केयर ले रहा है, उनका मीन एच बी ए वन सी लेवल रिड्यूस होकर 7.8 आया। जो ग्रुप एक्सरसाइज कर रहा था उनका आया ये 7.35 समझ लें, और वो ग्रुप जो कि सिर्फ डाइट पे था उनका रिड्यूस हुआ होके 7.2 पर आ गया। तो ये तीनों में डिफरेंस आ रहे हैं। नाउ अब इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो फिर हम इसका जो है वो इसमें एफ टेस्ट लगाएंगे। नाउ द नेक्स्ट टेस्ट इज काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ होमोजेनाइटी। काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ होमोजेनाइटी क्या होता है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी इज टू डिटरमिन whether patient achieve target goal of HbA1c level or not, that is called dichotomous variable. देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव स्टडी का क्या है कि डिटरमिन करना है कि पेशेंट ने जो अपना टारगेट गोल था HbA1c का वो अचीव किया या नहीं किया, ठीक है? तो ये क्या है? dichotomous means के yes या no, कि अचीव किया या नहीं किया, दो ऑप्शन है, किया या नहीं किया, बस दो ही पॉसिबिलिटी, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड डाइकोटोमस वेरिएबल, यानी ऐसा टेस्ट हो जिसमें आपने ऐसी सिचुएशन हो तो आपने ये चेक करना है कि गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ, पेशेंट सर्वाइव नॉट सर्वाइव, टारगेट गोल अचीव और नॉट अचीव, तो दिस हेयर वी विल अप्लाई काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ होमोजेनाइटी। नाउ परपोशंस ऑफ पेशेंट अचीव टारगेट गोल एंड परपोशंस ऑफ पेशेंट डिड नॉट अचीव टारगेट गोल्स कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है? तो कितने परसेंट पेशेंट्स ने एच बी ए वन सी लेवल का टारगेट अचीव किया टोटल स्टडी में और कितने परसेंट पेशेंट ने वो टारगेट अचीव नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल एच बी ए वन सी का टारगेट था 7%, तो कितने परसेंट पेशेंट थे जिन्होंने 7% और उससे नीचे का टारगेट अचीव किया, उससे कम तक गए, और कितने परसेंट पेशेंट थे स्टडी में जो यह टारगेट अचीव नहीं कर सके, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अप्रोप्रिएट स्टेटिस्टिकल टेस्ट फॉर असेसिंग
टू पर पोर्शन इज काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ होमोजेनाइटी। ऐसी सिचुएशन में जो हम टेस्ट लगाते हैं सिग्निफिकेंस मालूम करने के लिए, वो टेस्ट कहलाता है काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ होमोजेनाइटी। अच्छा, अब इसमें नल हाइपोथीसिस क्या होगा? नल हाइपोथीसिस कुड बी लाइक एच नॉट, यानी नल हाइपोथीसिस इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू पी बी, ठीक है, यानी वेयर प्रोपोर्शन ऑफ ग्रुप और पॉपुलेशन इन स्टडी ए एंड बी आर टू ग्रुप्स, यानी ए और बी दो अलग अलग ग्रुप हैं और ये प्रोपोर्शन ऑफ ए है एंड प्रोपोर्शन ऑफ बी, यानी वो ये कह रहा है कि जिनका टारगेट अचीव हुआ हीमोग्लोबिन का वो ये परसेंटेज है और जिनका नहीं हुआ वो पी बी है, ठीक है, पी बी जो होगा जिनका नहीं अचीव हुआ टारगेट और जिनका अचीव हुआ। तो नल हाइपोथीसिस बना कि भाई दोनों सेम होंगे, इक्वल होंगे, यानी प्रोपोर्शन अचीव प्रोपोर्शन नॉट अचीव विल बी इक्वल, ये है नल हाइपोथीसिस। डेफिनेटली ऑल्टरनेट क्या होगा कि दे आर नॉट इक्वल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, कंटिजेंसी टेबल क्रिएट करते हैं इस डाइकोटोमस वेरिएबल को समझने के लिए। व्हेन कंपेयरिंग टू ग्रुप्स एज डाइकोटोमस वेरिएबल, डेटा इज प्रेजेंटेड इन कंटिजेंसी टेबल। ये कंटिजेंसी टेबल वही टू बाई टू टेबल की तरह का है, जैसे ये ट्रीटमेंट ग्रुप कंपेरिजन ग्रुप, ठीक है, यानी वही है कि एक्सरसाइज ग्रुप नो एक्सरसाइज ग्रुप, एच बी ए वन सी इम्प्रूव्ड नॉट इम्प्रूव्ड, तो इसमें हम डाल लेंगे ट्रीटमेंट, यानी एक्सरसाइज ग्रुप में एच बी ए वन सी टारगेट अचीव हुआ वो कितनों का, जिनका नहीं हुआ एक्सरसाइज के बावजूद वो यहाँ आ गए उतने पेशेंट्स। यहाँ पर कंपेयर, यानी जो विदाउट एक्सरसाइज थे, विदाउट एक्सरसाइज जिनका एच बी ए वन सी इम्प्रूव हो गया वो इधर आ गए, जिनका नहीं हुआ वो इधर आ गए, वो पेशेंट्स इधर आ गए। उसके बाद इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल कर लिया हमने, सम ले लिए, यानी ए प्लस बी सी प्लस डी, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी, यानी ए प्लस सी बी प्लस डी, और इन सब का सम जो होगा वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा। इन तमाम डेटा को हम कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ फॉर्मूला फॉर कंटिजेंसी टेबल, फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? फॉर टू बाई टू कंटिजेंसी टेबल काई स्क्वायर कैन बी कैलकुलेटेड बाय, काई स्क्वायर को हम कैलकुलेट करेंगे, काई स्क्वायर का फॉर्मूला ये साइन आ गई इज इक्वल टू एन ब्रैकेट ओपन ए इंटू डी, ये ए और डी क्या है, ये आ गए ए डी, यानी इनकी वैल्यू वहां पे पुट कर दी, माइनस बी इंटू सी, ठीक है, ये बी है ये सी है, जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी, और इसको होल को क्लोज करके पहले इसका स्क्वायर ले लेंगे फिर एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे क्या होगा, ए प्लस बी, यानी ए की वैल्यू बी की वैल्यू उस टेबल से उठाई, मल्टीप्लाई किया सी प्लस डी से इस वैल्यू को, और फिर ए प्लस सी बी प्लस डी, इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे ये इनको इन ए और बी को प्लस किया, सी और डी को प्लस किया, ए और सी को प्लस किया, बी और डी को, और फिर इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ जो वैल्यू आई होगी उसको इस वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फिर आप ये चेक करेंगे ये जो काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू है ये टेबल वैल्यू से कहाँ आ रही है, एक्सेप्टेड रीजन में या रिजेक्टेड रीजन में। प्रोसीजर फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट इज द सेम एज इन टी टेस्ट, वही कि काई स्क्वायर की वैल्यू एक्सेप्टेड रीजन में आ रही है या रिजेक्टेड रीजन में आ रही है। इफ नल हाइपोथीसिस इज एक्सेप्टेड, अगर नल हाइपोथीसिस एक्सेप्ट हो जाता है देन नो डिफरेंस इन द प्रोपोर्शन ऑफ टू ग्रुप्स, यानी कोई भी फर्क नहीं है दोनों ग्रुप में। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ रोज माइनस वन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस वन, तो यहाँ पे टू माइनस वन है, टू माइनस वन है, दो रो हैं और दो कॉलम है, ठीक है ना, ये दो रो हैं और दो कॉलम है, ठीक है, तो ये टू बाई टू कहलाएगा, इस वजह से टू माइनस वन टू माइनस वन, ज़्यादा होंगे तो फिर ये बढ़ जाएंगे। तो जैसा कि नल हाइपोथीसिस था इसमें हमारा कि दोनों के पर, यानी जिनका एच बी एवन सी कम टारगेट अचीव हुआ और जिनका नहीं हुआ दोनों सेम है, नल हाइपोथीसिस अगर एक्सेप्ट हुआ, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू का आई स्क्वायर की एक्सेप्टेड रीजन में आई, लेकिन अगर रिजेक्टेड रीजन में आ गई तो फिर इसका मतलब है कि एक्सरसाइज ग्रुप इज बेटर देन, या ये कि जो है वो जिनका टारगेट अचीव हुआ एक्सरसाइज की वजह से वो सिग्निफिकेंटली हायर हैं, यानी एक्सरसाइज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द एच बी ए वन सी रिडक्शन, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पर भी था 0.05 और 5%। नाउ अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर इसी काई स्क्वायर टेस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। 70% पेशेंट्स इन एक्सरसाइज ग्रुप वर एट ए गोल ऑफ एच बी ए वन सी वाइल 20% इन कंपेरिजन ग्रुप वर एट गोल ऑफ एच बी ए वन सी,
ठीक है, तो जब इन्होंने कैलकुलेट किया तो 70% जो थे वो टारगेट अचीव कर रहे थे HbA1c का, और 20% जो थे वो इन ग्रुप कंपैरिजन ग्रुप में थे। यानी इसका मतलब हुआ है जो कि एक्सरसाइज ग्रुप में थे उसमें 70% अपना टारगेट अचीव कर रहे थे HbA1c का, 30% नहीं कर रहे थे। जबकि जो कंपैरिजन ग्रुप था जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा था उसमें सिर्फ 20% HbA1c का टारगेट अचीव कर रहे थे, गोल अचीव कर रहे थे, जबकि 80% अचीव नहीं कर रहे थे। वो कैसे पता चला, ये देख लीजिए आप, कि एक्सरसाइज ग्रुप में एट गोल लेस देन 7.5%, 7 पेशेंट यानी 10 में से 7 का मतलब हुआ 70%, नहीं अचीव किया नॉट एट गोल 3 यानी 30%। जो कंपेरिजन ग्रुप था उसमें गोल सिर्फ 2 ने अचीव किया यानी 20% ने, और जिन्होंने अचीव नहीं किया वो 8 थे यानी 80%। तो इससे हमें पता चल रहा है ये प्रपोर्शन। नाउ जब हमने इसकी पे काई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया जो कि हम ऑलरेडी अभी पिछली स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं, यानी ये ए बी सी और डी, इसका फॉर्मूला लगाया, एक दफ़ा हम फिर देख लेते हैं, ये रहा वो फॉर्मूला ए डी बी सी, इस फॉर्मूले को लगाया तो इस फॉर्मूले को कैलकुलेट किया तो काई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 5.05 और पी वैल्यू आ रही है 0.025 एट अल्फा वैल्यू 0.05, यानी 0.05 लेवल पे चेक किया तो ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा था, एच नॉट रिजेक्टेड, सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन बोथ ग्रुप, दोनों ग्रुप में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यानी HbA1c जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो रहा है एक्सरसाइज ग्रुप में, तो यानी एक्सरसाइज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द HbA1c लेवल, इससे ये हमें मालूम हो रहा है। तो ये जो है दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर रिजल्ट्स। अच्छा, नाउ फिशर एग्जैक्ट टेस्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट टेस्ट इज फिशर एग्जैक्ट टेस्ट। इफ सैंपल साइज ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट इज स्मॉल देन फिशर एग्जैक्ट टेस्ट इज एप्लीकेबल। अगर सैंपल साइज बहुत छोटा होगा तो फिर हम फिशर एग्जैक्ट टेस्ट लगाएंगे। इन दिस टेस्ट नल हाइपोथीसिस क्या होगा, वही के प्रोपोर्शन ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोपोर्शन ऑफ बी, यानी ग्रुप ए इज इक्वल टू ग्रुप बी। करंट एग्जाम्पल ऑफ 70% ऑन गोल इन एक्सरसाइज ग्रुप एंड 20% इन कंपेरिजन ग्रुप फॉर A1C लेवल। अगर हम यही फिशर एग्जैक्ट टेस्ट लगाते हैं इसी एग्जाम्पल पे जिसमें 70% जो था एक्सरसाइज ग्रुप अपना गोल अचीव कर रहा था और 20% कंपेरिजन ग्रुप, तो पी वैल्यूज में आई 0.07 एंड नल हाइपोथीसिस एच नॉट रिजेक्टेड एंड एट एच एच नॉट इज एक्सेप्टेड, क्योंकि नल हाइपोथीसिस एच नॉट इज एक्सेप्टेड, पी वैल्यू इज 0.07। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे मैं गलती से रिजेक्टेड कह दिया था, यहाँ पे पी वैल्यू इज इक्वल टू 0.07, ये 0.05 से ज़्यादा हो गई वैल्यू, तो इसका मतलब है कि नल हाइपोथीसिस एक्सेप्ट हो गया, यानी नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस, एंड एच नॉट इज एक्सेप्टेड, सो नो डिफरेंस इन A1c लेवल ऑफ बोथ ग्रुप। सच सिचुएशन हैपेंड बिकॉज ऑफ स्मॉल सैंपल साइज, ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो स्मॉल सैंपल साइज की हुई है, जो कि मिसलीडिंग रिजल्ट है। यहाँ पे जो रिजल्ट्स आ रहे थे काई स्क्वायर में ये सही रिजल्ट्स थे, ये सही रिजल्ट्स हैं, लेकिन ये क्योंकि हमने वही सिचुएशन को यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो सच सिचुएशन हैपेंड बिकॉज ऑफ स्मॉल सैंपल साइज एंड येट्स करेक्शन शुड बी अप्लाइड इन दिस सिचुएशन, और इसमें येट्स करेक्शन जो है वो अप्लाई करने की ज़रूरत है ताकि फिशर एग्जैक्ट टेस्ट का जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व कर लिया जाए। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टेस्ट विच इज़ कॉल्ड पेयर्ड टी टेस्ट और डिपेंडेंट ग्रुप टेस्ट। अब ये डिपेंडेंट ग्रुप टेस्ट क्या होते हैं, ये किस तरह से वर्क करते हैं, ये किस तरह की स्टडीज़ होती हैं, और इसमें जो है वो हम कंपैरिजन किन दो ग्रुप्स को करते हैं, इसको हम वी विल डिस्कस सून इन आवर नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स, इसको हम अगले चंद लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम समराइज़ कर लेते हैं आज के लेक्चर को कि आज हमने क्या क्या टॉपिक्स कंप्लीट किए, तो हमें एक तरह से रिवीजन भी मिल जाएगा इनका और हम जो है वो एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ जाएंगे। हमने बाईवेरिएट एनालिसिस की बात की आज कि बाईवेरिएट एनालिसिस क्या होते हैं, जिसमें हम रिसर्च डिज़ाइन है जिसमें कंपैरिजन ऑफ आउटकम इन टू ग्रुप्स करते हैं, उसमें हमने एक केस सिनेरियो लिया था कि HbA1c लेवल पे क्या फ़र्क पड़ रहा है दोनों ग्रुप पे, जो कि एक्सरसाइज करते हैं और जिम फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं और जो नहीं करते। अगर हम दो ग्रुप ले रहे हैं जो कि यूजुअल केयर
और एक्सरसाइज ग्रुप है तो उन पे टी टेस्ट हमने लगाया, उनके मीन्स को हमने कैलकुलेट किया, टी टेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया और फिर हमने HbA1c लेवल की के रिजल्ट्स को डिटरमिन कर लिया। एनोवा हम जब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास एक से ज़्यादा ग्रुप हैं, लाइक ये तीन ग्रुप हैं, यूजुअल केयर, एक्सरसाइज ग्रुप, डाइट काउंसलिंग जिसको हम एफ टेस्ट भी कहते हैं, वहाँ पे वो लगाएंगे और फिर अगर रिजेक्ट हो जाए तो हम उस पर जो है वो पोस्ट हॉक एनालिसिस भी लगाएंगे। काई स्क्वायर टेस्ट हम कब करेंगे, जब हमारे पास नॉमिनल डेटा हो कि टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ, यानी डाइकोटोमस वेरिएबल, वहाँ पे हम लगाएंगे। एग्जाम्पल हमने ली थी HbA1c के साथ ही, और फिर उसमें हमने ये चेक किया था कि काई स्क्वायर क्या होगा। फिशर एग्जैक्ट टेस्ट भी काई स्क्वायर की ही एक टाइप है, बट ये हम वहाँ पे चेक करते हैं व्हेन द काई स्क्वायर टेस्ट इज स्मॉल, सैम्पल साइज ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट इज वेरी स्मॉल, देन फिशर एग्जैक्ट टेस्ट इज एप्लीकेबल। तो फिर हम जो है वो रिजल्ट्स मालूम करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड फिशर एग्जैक्ट टेस्ट। फिर हमारे पास पेयर टी टेस्ट होगा, दैट वी विल डिस्कस फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।